हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर थ्री एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर कंप्लीट वन शॉट एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन सब मेरे वीडियो इस चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा आप वहाँ से उसको देख सकते हैं तो ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका जो केमिस्ट्री का बेस है वो यहीं से बनने वाला है ऑल ट इंडियंस एंड ग्रीक फिलोसफर अबाउट द अनोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर जो एंशियंट इंडियन और ग्रीक फिलोसफर थे वो बहुत ईगर थे इस बात को कि जो आपका मैटर है उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है इसका जो जो मैटर जिससे मैं मिलकर बना है वो है क्या एक्चुअल में ठीक है द आइडिया ऑफ डिसिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड फाइव हंड्रेड बी सी एंड इंडियन फिलासफर ऋषि कणाद महर्षि कणाद ठीक है तो ये 500 सौ बीसी यानी ईसु के जन्म से लगभग 500 वर्ष पहले ये बात निकल के आई कि जो आपका पदार्थ है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है बहुत छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना है ठीक है वी शेल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स अल्टीमेटली ए टाइम विल कम वैन वी शेल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिविजन विल नॉट बी पॉसिबल वी नेम दिस पार्टिकल्स पर जैसे-जैसे डिस्कवरीज होती गईं फिर हमने इस पदार्थ को जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता उसको हमने परमाणु बोला ठीक है एनदर इंडियन फिलोसोफर पक्ुदा कत्तियामा इलेबोरेट दिस डैक्ट्रिन एंड सेड दैट दिस पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन द कंबाइंड फॉर्म व्हिच गिव्स अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर मतलब इन सब से ही मिलके वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर बनी है ठीक है अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डिमोक्रेटीज एंड ल्यूसीपकस अब जैसा प्रोनाउंस करें इसको सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन द डिवाइडिंग मैटर इस स्टेज विल कम वेन पार्टिकल्स ऑफ टेंट कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर ये ग्रीक साइंटिस्ट थे डिमोक्रेटिस एंड ल्यूसीपकस सजेस्टेड कि जो अब पार्टिकल्स मिलकर बना है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है और इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड और इस इंडिविजुअल पार्टिकल्स को इन्होंने बोला एटम ठीक है तो इस तरह से एटम एटम का बेसिक से एटम की कैसे कैसे डिस्कवरी हुई पता चला। By the end of एंड ऑफ scientists सेंचुरी साइंटिस्ट डिफरेंट बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड 18th सेंचुरी में हम लोगों ने पता किया एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में और उनका डिफरेंस देखा कि कैसे ये कंबाइन होते हैं एंड when they कंबाइन कैसे ये कंबाइन होते हैं तो ये पता लगा दूसरा कंबिनेशन यानी कंबाइन होने के बाद बनता क्या है मतलब न्यू प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ ठीक है एंटोनी एलॉइजर लेड टू द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस

तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मास ना बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ठीक है मास को आप ना, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं डेस्ट्रॉय दूसरे फॉर्म में चेंज जरूर कर सकते हैं आप जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ठीक है प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है वॉटर ठीक है अगर आप दो ग्राम हाइड्रोजन ले लें और सोलह ग्राम क्या ले लें ऑक्सीजन ले लें ले, तो क्या बनेगा तीन ग्राम वाटर ठीक है तो देखिए रिएक्टेंट यानी ये वाली साइड कहलाती है रिएक्टेंट साइड और ये वाली कहलाती है प्रोडक्ट साइड जो जो हमें मिला है सब देखिए एटीन ग्राम मिलकर टोटल कितना हुआ सिक्सटीन ग्राम मिलकर 18 ठीक है तो जितना मास आपके रिएक्टेंट साइड में था उतना ही मास आपको प्रोडक्ट साइड में मिलना चाहिए दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ठीक है दूसरा लॉ है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनेट ये क्या कहता है देखिए अगर मैं इनका रेशियो ले लूं टू रेशियो सिक्सटीन अगर दोन से में डिवाइड करूं तो वन रेशियो एट तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये एक निश्चित रेशियो में एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करेंगी तभी वाटर फॉर्म होगा अदरवाइज वाटर फॉर्म नहीं होगा अगर मैं दो ग्राम हाइड्रोजन में एट ग्राम ऑक्सीजन मिला दूं तो वाटर फॉर्म नहीं होगा वन रेशियो एट की फॉर्म में ही वाटर फॉर्म होगा ठीक है यानी एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है किसी भी दो एलिमेंट को कंबाइन होने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके लिए एक हमारे पास एक कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन है इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन ये सब कहानी आपको यहां पढ़ने को मिल जाएगी ठीक है ना यहां आप इसको देख सकते हैं कि मैंने आपको समराइज कर दिया ठीक है यहां से आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं इन अ केमिकल सबस्टेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास ठीक है किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में जो एलिमेंट होते हैं वो निश्चित प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होते हैं ठीक है थीके? इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस थ्योरी को लेके अपने पॉस्टूल दिए मतलब अपने इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिए इनका नाम है डाल्टन ठीक है और इनकी थ्योरी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से पॉपुलर है ठीक है तो देख लेते हैं इनके पोस्टुलेट्स के बारे में इनके छह पॉस्टुलेट है तो इसके जो पोस्टुलेट्स पॉस्टुलेट्स वो आपको ध्यान में रखनी है एटलीस्ट ध्यान में तो रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ठीक है ऑल मेटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम किसी भी मेटर्स पे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनको एटम बोलते हैं एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन ठीक है ना आप इसको क्रिएट कर सकते हैं एटम को ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ठीक है टम्स ऑफ अविन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए अगर मैं आयरन के एटम ले लूँ ठीक है अगर मैं आयरन के आइटम दो ले लूँ तो आप इनमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते बिल्कुल सेम identical होंगे आइडेंटिकल होंगे आइडेंटिकल होंगे प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी ठीक है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैमिकल प्रॉपर्टी और यहीं अगर मैं कॉपर ले लूँ तो कॉपर और आयरन के अगर मैं दो एटम ले लूँ तो इन दोनों के एटम बिल्कुल डिफरेंट होंगे ना इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करती होंगी और ना इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच करती होंगी क्लियर फिफ्थ एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड देखिए हमेशा स्मॉल होल नंबर में ही कंबाइन होते हैं दो एलिमेंट ठीक है ऐसा नहीं है आप हाफ एस टू कर दें ठीक है ये गलत होगा ठीक है दो निश्चित होल नंबर में ही कंबाइन होंगे हाफ एटम कंबाइन कभी नहीं होगा द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन द गिंग कंपाउंड ये आपके लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन को फॉलो करता है कि कोई भी दो एलिमेंट जब भी कंबाइन होते हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो वो निश्चित प्रपोर्शन में होंगे तभी वाटर फॉर्म होगा क्लियर वॉट इज एटम हैव यू एवर ऑब्जर्व अ मैसोन बिल्डिंग वॉल फ्रॉम ईच व अगर हम एटम को और समझना चाहें तो देखिए जैसे हमारा घर है और उसमें छोटे छोटे रूम्स हैं हमारे ठीक है रूम्स के अलावा रूम्स किससे बन बनाए? बना है रूम्स ब्रिक्स से मिलकर बनी हैं। तो ब्रिक्स एक सबसे छोटी यूनिट हो गई ठीक है और सारी ब्रिक्स जोड़ के क्या बनता है रूम सारी ब्रिक्स जोड़ के क्या बनता है रूम और रूम मिलकर क्या बनता है हमारा घर पोम ठीक है ऐसे ही बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर का एटम एटम कंबाइन होकर बना, बनाते हैं मैटर ठीक है इस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है इसी तरह से हमारा एटम जो आ, एटम है कंबाइन होकर मैटर का फॉर्म करता है हाउ बिग आर एटम्स ठीक है कितने बड़े होते हैं तो साइज की बात करें तो एटोमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर नैनोमीटर ठीक है और इक्वल टू होता है आपका टेन टू दावर माइनस नाइन मीटर छोटा यूनिट है नैनोमीटर ठीक है ध्यान दीजिएगा

ठीक है अगर मॉलिक्यूल ऑफ हाइमोग्लोबिन की बात करें जो हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन टेन टू दी पावर माइनस एट होता है वो ठीक है अगर ग्रेन ऑफ सेंट की बात करें तो कितना होता है टेन टू दावर माइनस फोर एंट की बात करें तो चिडी टेन टू दी पावर माइनस टू और वाटर मेलन की बात करें तो कितना होता है टेन टू दावर माइनस वन इस हिसाब से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का आइटम है टेन टू दी पावर माइनस टेन मीटर कितना छोटा होता है वी कैन नॉट सी बाय द नेकेड नेकेडाइस देखिए यहां सिल्कन की ये सर्फेस का डायग्राम है सिल्कन की सर्फेस का डायग्राम आप देख सकते हैं क्लियर वाट आर द मॉडर्न दे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट देखिए पुराने टाइम में जब एटम जब सिंबल्स एटम, का पता लगा कि हमारे जो एटम हैं उनको क्या पहचानेंगे कैसे उनके सिंबल्स कैसे बनाए जाए तो देखिए प्रीवियसली इस तरह के सिंबल्स बनाए गए ठीक है देखिए हाइड्रोजन का ये है सिंबल ठीक है यहाँ एक सर्कल बना के डॉट है बीच में ठीक है ये कार्बन का सिंबल है ये ऑक्सीजन का सिंबल है ये फॉस्फोरस है ये सल्फर है ये आयरन है कॉपर का सिंबल है लेड सिल्वर ये सब ऐसे करके आपके सिंबल्स बनाए गए लेकिन इनको याद रखना बड़ा कठिन था भाई अगर मान लीजिए और भी एलिमेंट्स आए तो आपके सिंबल्स याद रखेंगे ठीक है अभी वन एटन एटीन आपके सिंबल्स नोन है तो सब आप याद सिंबल्स अभी देखिए वन एटीन एलिमेंट्स अभी देखिए वन एटीन एलिमेंट्स नोन है तो किस, -किस का सिंबल आप याद रख पाते ठीक है तो उसके लिए एक संस्था बनाई गई आई ठीक है अब कैसे हम फिर उसका निदान करें कैसे हम एलिमेंट्स को पहचानें सिंबल कैसे लिखें उनके तो इन द बिगिनिंग ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट्स वी वर डि डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वी आर दे वर फाउंड फर्स्ट फॉर एग्जांपल द कॉपर वाज टेकन फ्रॉम साइप्रस सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर फॉर एग्जाम्पल गोल्ड टेकिन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो नाउ इट इज देखिए इस तरह से सिम्बल्स बनाई गई लेकिन नाउ ए डेज अभी क्या है आई अभी जो हम सिंपल पढ़ते हैं वो आई यूपीएससी यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अपलाइड केमिस्ट्री अप्रूव नेम ऑफ द एलिमेंट्स अब कैसे हैं अब समझिए देखिए जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है ठीक है हाइड्रोजन का आपको सिंबल लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना इसका सबसे पहला अक्षर ले लीजिए ठीक है सबसे पहला एलिमेंट क्या है इसका एच ठीक है अल्फाबेट इसका एच है तो कैपिटल एच इसका सिंबल हो गया अब एक और दिक्कत आई मान लीजिए दो एलिमेंट का नाम अगर सेम है जैसे मान लीजिए हीलियम है

जैसे एल्यूमिनियम का होगा ए कैपिटल और फिर स्मॉल एल ए एल ये कैपिटल ये गलत होगा सिंबल ठीक है ऐसे ही कोबाल्ट की बात करें तो सी सी और small o, ये C और स्मॉल ओ ओ ये ये कैपिटल नहीं होगा ये भी गलत हो जाएगा ठीक है इस तरह से सिंबल बनाए गए लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जैसे मान लीजिए पोटेशियम है के जबकि पोटेशियम का सिंबल क्या होना चाहिए पी अब इसका भी आई यूपीएससी ने बताया कि कुछ जो नाम है वो लैटिन या फ्रेंच ठीक है जैसे मान लीजिए पोटेशियम है तो पोटेशियम का जो नाम है वो है कैलियम क्या नाम है कैलियम लेटिन ठीक है तो कैलियम यहां से के अक्षर इसका ले लिया ठीक है ऐसे ही सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो नाम है वो है नेट्रियम ठीक है इसलिए इसका एन ए सिंबल है जैसे एफ ई -e, आयरन ठीक है आयरन का सिंबल आई से स्टार्ट नहीं होता उसका होता है एफ ई -e, आयरन का ठीक है तो ये भी कहां से लिया गया है फेरम से ठीक है लेटिन में इसको क्या बोलते हैं फेरम आयरन को तो इसका सिंबल है एफ स्मॉल ई देखिए यहां कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं इनको देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम का ए एल आर्गन का ए आर बेरेलीम का बी ए बोरोन का बी ब्रोमीन का बी आर कैल्शियम का सी ए कोवोल्ट ये सब दिए हुए हैं ठीक है यहाँ देखिए नाइट्रोजन का एन ऑक्सीजन का ओ पोटेशियम का के सिलिकन का एस si. आई अब ये सिंबल्स आपको ध्यान में रखने हैं ठीक है एटलीस्ट जो सिंबल आपकी एनसीआर टी में दिए हुए हैं कम से कम वो सिंबल आपको जरूर ध्यान में रखने हैं आप इनको एक टेबल बना के आप इसको नोट आगे बात करते हैं हम एटॉमिक मास देखिए अगर हम बड़ी बड़ी चीज़ों की मास की बात करें जैसे अगर आप आ, कोई भी मैटर लेके आते हैं जैसे अगर कोई आप वेजिटेबल घर में लेके आते हैं या कोई घर का ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो आप आराम से तोल के लेके आते हैं क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो विजिबल हैं ठीक है और उनकी जो मेजरमेंट है वो ईजिली मीजर मेजर हो जाती हैं लेकिन एटम इतना छोटा पार्टिकल्स है उसको मेजर करने के लिए आप कैसे उसको मेजर करेंगे तो उसके लिए एक कंसेप्ट है एटोमिक मास ठीक है द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट ऑफ डाल्टन एटोमिक थ्योरी प्रपोज वाज दैट द एटोमिक मास अकॉर्डिंग टू हिम अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए तो देखिए डाल्टन की जो एटोमिक थ्योरी है उसमें सबसे जो लास्ट का पॉस्टूलेट है कि जो एलिमेंट्स हैं वो निश्चित प्रपोर्शन में ही कंबाइन होते हैं ठीक है उससे हम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का द थ्योरी कुड बी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन ठीक है सो एज वेल द साइंटिस्ट वर प्रोमेड टू मेजर द एटोमिक मास ऑफ एन एटम सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ इंडिविजुअल वॉज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क अब देखिए किसी भी एटम का आप अलग अलग मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हाँ आप रिलेटिव मास कैलकुलेट कर सकते हैं देखिए ये बात ध्यान देने वाली है आप रिलेटिव मास कैल्कुलेट करते हैं ठीक है आप कभी एप्सोल्यूट मास कैलकुलेट नहीं कर सकते उसका किसी भी एलिमेंट का ठीक है हम लोग रिलेटिव मास कैलकुलेट करते हैं अभी जो रिलेटिव मास है वो है कार्बन ट्वेल्व एटम का जो मास है उसका वन ट्वेल्थ ठीक है कार्बन जो ट्वेल्व है उसका वन ट्वेल्थ करके उसका मास कैलकुलेट करते हैं और इसके हिसाब से सभी एलिमेंट्स का हमने मास कैलकुलेट करके दिया दिया है ठीक है अब कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं ठीक है देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड हमने एग्जाम्पल ले लिया सी का कार्बन मोनोऑक्साइड के ध्यान से देख सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कार्बन जो है वो थ्री ग्राम ले हम तो ऑक्सीजन हमें कितनी लेनी पड़ेगी फोर ग्राम ठीक है तो बिल्कुल सेवन ग्राम क्या बना कार्बन मोनो ऑक्साइड क्लियर है या हम दूसरे वर्ड में देखें तो फोर बाई थ्री ऑक्सीजन कंबाइन हुई है किसके साथ कार्बन किस के साथ यानी फोर बाई थ्री ऑक्सीजन कंबाइन हुई है किसके साथ हमारे वन ग्राम कार्बन के साथ में क्लियर है यही है कहानी देखिए चार ग्राम का मतलब क्या है अगर डिवाइड करते हैं तो फोर बाई थ्री ऑक्सीजन कंबाइन हुई है वन ग्राम ऑफ कार्बन के साथ में क्लियर है अब यहां से देखिएगा अगर मैं देखूं तो कार्बन का जो मास है वो है सी ट्वेल्व हम जो कार्बन का देखिए कार्बन से ही हम रिलेट करते हैं ध्यान दीजिएगा तो कार्बन का जो मास है सी का वो है ट्वेल्व ठीक है अब अब मुझे ऑक्सीजन का मास निकालना है ठीक है तो कितनी ऑक्सीजन कंबाइन हुई है फोर बाई थ्री एक ग्राम के साथ इंटू ट्वेल्व और एक ग्राम कार्बन का मास कितना है ट्वेल्व ठीक है अब यहां से इसको डिवाइड कर दीजिए कितना आ गया फोर फोर इंटू फोर कितना आ गया सिक्सटीन ठीक है तो कितना एटॉमिक मास हो गया सिक्सटीन ठीक है तो देखिए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो सिक्सटीन ही होता है ठीक है इस तरह से हम किसी का भी एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से देखिए देखिए ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है सिक्सटीन अब आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि कैसे हम एटोमिक मास कैलकुलेट कर पाते हैं ठीक है यहां से अगर डेफिनेशन देखें तो देखिए हाउ एवर इन 1964 यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास

उसको जनरली हम क्या लिखते हैं वन यू ध्यान दीजिएगा वन यू एक एटम के मास को हम वन यू लिखेंगे ठीक है जैसे अगर मान लीजिए इसका वन यू है तो जैसे ऑक्सीजन का लिखना है तो सिक्सटीन यू किस तरह से लिखेंगे ठीक है जैसे कार्बन ट्वेल्व का लिखना है तो ट्वेल्व यू ठीक है ध्यान दीजिएगा इस बात को ठीक है यहां से आपको सभी के एटॉमिक मास भी आपको पढ़ने हैं जैसे हाइड्रोजन का वन कार्बन का ट्वेल्व ठीक है कार्बन ट्वेल्व का ही तो है वन ट्वेल्व तो करते हैं इसका नाइट्रोजन का फोर्टीन सिक्सटीन ऑक्सीजन का सोडियम का ट्वेंटी थ्री मैग्नीशियम का ट्वेंटी फोर आपको ध्यान में रखनी है ठीक है क्लोरीन का आपका होता है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ठीक है चलिए ही रखते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए पार्ट आठ सेकेंड बहुत जल्द रिलीज होगा तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू